व्हाट्सएप वॉइस मैसेज जुड़ गया है ये खास फीचर, अब आएगा चैटिंग का मजा। व्हाट्सएप समय समय पर नए अपडेट्स लेकर आता रहता है। अब इस अपडेट के बाद व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज को अलग अलग प्लेबैक स्पीड पर प्ले किया जा सकता है। इस अपडेट को एंड्रॉइड के साथ आईफोन यूजर्स के लिए भी जारी किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। व्हाट्सएप के इस फीचर को आप व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप क्लाइंट्स पर भी प्ले कर पाएंगे। इससे आप वॉइस मैसेज के प्लेबैक स्पीड को 1.0x, 1.5x और 2.0x तक बढ़ा सकते हैं। यानी व्हाट्सएप इस पर जैसे ही आपको कोई वॉइस मैसेज मिलेगा, आप प्लेबैक स्पीड बटन से उसकी स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इस नए अपडेट में व्हाट्सएप की ओर से नए स्टिकर पैक लाफ इट ऑफ को भी जारी किया गया है। इसमें 28 एनिमेटेड स्टिकर्स शामिल किए गए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाफ इट ऑफ स्टिकर पैक को आईफोन और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है। व्हाट्सएप के इन नए फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको एंड्रॉइड वर्जन 2.21.9.15 और व्हाट्सएप iOS वर्जन 2.21.0.0 डाउनलोड करना होगा। आपको इसमें प्लेबैक स्पीड टॉगल का विकल्प दिया जाएगा, जिसके बाद आप स्पीड को अपने हिसाब से 1x to 1.5x और 2x पर स्विच कर सकते हैं। ये टॉगल ऑडियो सीक बार के सामने मौजूद होगा। अब प्लेबैक स्पीड के स्विच पर टैप करने के बाद आप अलग अलग स्पीड में वॉयस मैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इन फीचर्स को व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप वर्जन 2.11.96 पर यूज कर सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप केंद्र सरकार की ओर से तैयार नए डिजिटल नियमों के खिलाफ है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियमों के कारण पूछने पर बताना पड़ेगा कि सबसे पहले किसने मैसेज भेजा। इससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी। व्हाट्सएप के मुताबिक यूजर्स का चैट ट्रेस करना, मतलब हर मैसेज का फिंगरप्रिंट पास रखना, इससे प्राइवेसी जैसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा।